बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्ता पलट की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, जिसके लिए उन्हें बांग्लादेश सेना ने महज 45 मिनट का समय दिया था। लेकिन जीवन भर ठाट वाट से जीने वाली शेख हसीना को अपने ही घर, अपने ही देश से भागकर दर दर भटकना पड़ेगा, यह शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा। वहीं तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना भारत पहुंची। बांग्लादेश छोड़ने के लिए शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का अल्टीमेट दिया गया था। 45 मिनट के अंदर शेख हसीना आखिर किस बक्से में अपने जीवन भर की जमा को लेकर जाती, लेकिन इसीलिए आखिर में 4 सूटकेस और 2 बैग में अपनी बेहद ज़रूरी चीज़ें लेकर अपने वतन को अलविदा कहना पड़ा। भारत आकर उन्हें रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ों की ज़रूरत थी, इसके लिए उन्होंने भारत में ही शॉपिंग की। लेकिन 30,000 की शॉपिंग करने में उनके पास रुपए भी कम पड़ गए। वहीं सूत्रों के अनुसार बुधवार शाम को उन्होंने हिंडन एयरबेस में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में साड़ी खरीदी है। वहीं बांग्लादेश में तख्त पलट के बाद पूर्व सीएम हसीना बहुत कम सामान लिए ही निकली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि वे अपने निजी सामान को भी लेकर नहीं आई थी। मिली जानकारी के अनुसार शॉपिंग के दौरान उन्होंने भारतीय करेंसी और बांग्लादेशी करेंसी में शॉपिंग की है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका में पनाह नहीं मिलने के बाद अब वे दुबई में शरण ले सकती हैं। वहीं आपको बताते चले कि शेख हसीना को हिंडन एयरबेस में शरण लिए हुए अब 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। भारत ने शेख हसीना को किसी दूसरे देश में शरण मिलने तक रहने की इजाज़त दे दी है। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय सुरक्षा कर्मी और प्रोटोकॉल अधिकारी दल के सदस्य उनकी तनाव और सदमे से उभरने में मदद कर रहे हैं। इस दौरान वे भारतीय वायुसेना द्वारा सेफ हाउस में मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठा रही हैं। नाश्ते में सैंडविच से लेकर सीजनल सब्जियां तक उन्हें परोसा जा रहा है। उनकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।